अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल है सबका? सब ठीक ठाक खैरियत से? उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, घर पे सेफ होंगे। आज दो दिन की मेहनत के बाद हम 6 बजे घर से निकले हैं और आज उम्मीद है कि शॉपिंग हम कर पाएंगे। दो तीन चीज़ें लेने वाली हैं वो हम ले पाएंगे, क्योंकि हम लोग पिछले दो तीन दिन ट्राई करते रहे हैं लेकिन दुकानें वगैरह बिल्कुल बंद थी, कोई शॉप ओपन नहीं थी, जिसकी वजह से हम शॉपिंग नहीं कर पाए थे। तो उम्मीद है कि आज हम शॉपिंग जो है वो कर पाएंगे। तो अभी जो है हम फिर से जा रहे हैं वी मॉल वाली साइड पे और टाइम 6:10 हो चुके हैं, लेकिन अभी आधा घंटा या 45 मिनट हैं दुकानें बंद होने में। तो उम्मीद है कि हम आज जो है वो शॉपिंग पूरी कर लेंगे। वाह, यहाँ पे बैटमैन है, वहाँ पे सुपरमैन है। बैटमैन वर्सेस सुपरमैन। अब हम दोनों एक ही टीम के हो गए। हाँ, कल तुमने पहनी हुई थी उसकी मार्वल की पहनी हुई थी। हाँ, तो हम दोनों दुश्मन थे, तो आज नहीं है कि दोनों दुश्मन है। नहीं, डीसी के अंदर नहीं, डीसी के अंदर, लेकिन दोनों की लड़ाई है आपस में, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन। तो वी मॉल जो है वो हम पहुँचने वाले हैं और देखते हैं कि टाइम जो है ना कम है और हम क्या क्या बाय कर सकते हैं। और मुझे शक ये भी है कि यहाँ पे, क्योंकि कैमरा की जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो अलाउड नहीं है, तो शायद हम आपको दुकान के अंदर की व्यू या अंदर से जब हम चीज़ें बाय करेंगे तो वो हम आपको ना दिखा सकें। वी आर बैक इन द कार और तकरीबन 1 घंटा लगा हमें। हाँ, क्योंकि उस वक्त टाइम कुछ 6:10 था मेरा ख्याल है। अभी जो टाइम है उसमें 7:05 हो रहे हैं और इस पूरे 1 घंटे में हमने सिर्फ और सिर्फ, अरे वाह ये क्या लगा हुआ है, 1 सेकेंड। देखिए बाहर जाना, वो किसी पिज्ज़ा शॉप की एड लगी हुई है, कोशिश करते हैं कि उसको पकड़ पाए हम। हाय, मेरा ख्याल है कि लॉकडाउन की वजह से ना ये भूल गए थे पिज्ज़ा हट वाले, आए हैं इतना मिट्टी लगी हुई है, पिज्ज़ा हट वाले भूल गए थे अपनी डील चलाना। यहाँ पर लिखा हुआ इनके क्या लिखा हुआ, रमजान फीस्ट, यानी रमज़ान गुजर भी गया है, ईद भी गुजर गई है और अब ये जो है ना रमज़ान की ऑफर जो है वो दे रहे हैं, डील जिसे कहते हैं। तो खैर, अभी जो टाइम है वो 7:06 हो चुके, तो हमें जो है ऑलमोस्ट पूरा 1 घंटा लगा है शॉपिंग करते हुए। और माशाल्लाह इतना रश था कि जिसका हिसाब नहीं है। हालांकि हम लोग फ्रेंकली स्पीकिंग के लास्ट टाइम जो शॉपिंग पे गए थे, तू कब गया था लास्ट टाइम शॉपिंग पे? ये भाई साहब और मैं भाई साहब, मतलब हम सारे इकट्ठे ईद पे गए थे शॉपिंग के लिए, वो भी सिर्फ और सिर्फ हार्डली 15 मिनट के लिए, वो भी ईद वाली, मतलब जो चांद रात होती है उस दिन हम लोग गए थे। और उससे पहले कब गए थे वो मुझे नहीं याद, पता नहीं कब की बात है, वो लॉकडाउन से पहले की शायद बात होगी। लेकिन और अब ईद के बाद आज हम लोग गए, इस पूरे 1 घंटे में हमने जो है वो सिर्फ टी शर्ट्स और परफ्यूम्स बाय की। और सिर्फ दो चीज़ें बाय करने की वजह एक तो ये थी कि परफ्यूम बाय करने में टाइम काफ़ी लगता है चूज़ करने के अंदर, और प्लस ये था कि इतना रश था जिसमें पता नहीं ईद चल रही है या क्या क्या सीन है, इतना रश जिसका हिसाब नहीं है। दुकानें वगैरह भरी हुई थी और लोग जो है ना वो ऐसे शॉपिंग कर रहे थे जैसे पता नहीं कल ईद है या परसों ईद है। तो ये है कि शॉपिंग करना एक अलहदा चीज़ है, लेकिन इस तरह रश डालना और सारा कुछ करना मेरा ख्याल नहीं है कि इस तरह, मेरा नहीं ख्याल कि ये चीज़ मुनासिब है। तो हमें चाहिए कि इस चीज़ को थोड़ा सा कंट्रोल करें। हम लोग भी तो हैं कि हम लोग इतने अरसे के बाद शॉपिंग करने गए हैं, या मतलब इस तरह किसी मार्केट में गए हैं या किसी मॉल में गए हैं, बहुत अरसे के बाद गए हैं। तो यह है कि चीज़ों को मिनिमाइज़ करने की बहुत ज़रूरत है। क्या लगे कुछ मीठा हो जाए खाने में, क्या क्या आइसक्रीम और आइसक्रीम। यार आप ज़रा मेन्यू कार्ड लेके आओ, दो डिफरेंट मंगवा लें, ये ब्राउनी वाला किस चीज़ में देंगे आप? सर ब्राउनी वाला मोड, इसमें नीचे ब्राउनी होती है, 2 स्कूप होती है, ये चीज़ होती है, ये जो बनी हुई है ना ये चीज़, और व्हिप क्रीम टॉपिंग वगैरह होती है इस पर। और जो बनाना स्वीट है उसके अंदर 2 पीसी बनाने के होते हैं, 3 स्कूप होते हैं, स्ट्रॉबेरी की टॉपिंग होती है, व्हिप क्रीम की, नट्स की, सॉरी टॉपिंग होती है। ये फ्लेवर है सर। तूने पहले कौन सा ट्राई किया हुआ है? वनीला चॉकलेट और
तो कोई भी और डिफरेंट कुछ मतलब चॉकलेट कर लिया और अपना कोई और कर लिया। नहीं वो उसके अंदर होते हैं वो जो आपका वो कप है जो 350 वाला कौन सा वो ब्राउन सिंगल बॉडी। हाँ जी सर। उसमें कौन कौन से फ्लेवर कोई भी ऐड करवा सकते हैं? एक फ्लेवर ऐड होगा, एक ही ऐड होगा इधर से कोई भी ऐड हो सके। दो कप कर लेना। तेरा कौन सा कोई भी चॉकलेट वाला कर ले यार। वो जो वो नहीं है आपका सिंगल स्कूप में 350 वाला वो एक चॉकलेट में करना है और एक जो है ना आप उसमें कीजिएगा। और अच्छा कौन सा और आपका कोई नटी सॉल्टी कैरामल? नटी सॉल्टी कैरामल एक वो कर दो। ठीक है दो भी कर दो, दो भाव ही कर दूँ आपकी। हाँ जी। और वो जो है ना उसकी जो ब्राउनी है ना वो थोड़ी सॉफ्ट रखना ठीक है, जितनी हो सके हार्ड नहीं रखनी बिल्कुल। तो बात जो है वो हो रही थी रश की, हमें उसको मिनिमाइज करने की बहुत बहुत ज़रूरत है। तो अभी है जैसा कि मैंने आपको बताया था अपने पिछले व्लॉग में कि आइसक्रीम खाने का मूड था मेरा, लेकिन वो चेंज हो गया और फिर हम पापड़ी चाट जो है वो खाने चले गए थे। तो आज फाइनली हम लोग आइसक्रीम खाने ही आए हैं। फूड में एक न्यू आइसक्रीम शॉप खुली है जिसका नाम है बास्किन रॉबिन्स, और जिस तरह के आप देख सकते हैं कि इनके ये जो BR लिखा हुआ है इसके अंदर आपको 31 भी नज़र आएगा। 31 का मतलब ये है कि बास्किन रॉबिन्स के अंदर 31 फ्लेवर्स होते हैं आइसक्रीम के, जो कि इन्होंने अपने लोगों के अंदर मेंशन की होती है चीज़। तो आज हम इसको ट्राई करेंगे। ये तो पहले खा चुके हैं एक दो दफ़ा, लेकिन मैंने अभी तक इनकी आइसक्रीम को ट्राई नहीं किया। तो आज हम जो है इसको ट्राई करेंगे और देखेंगे कि इसका जो टेस्ट है वो किस तरह का है। तो ऑर्डर हमने दे दिया हुआ है, मैंने जो है वो करवाई है चॉकलेट। चॉकलेट क्या है मेरा, कौन सा चॉकलेट कौन सा है, फ्लेवर कौन सा है मेरा? चॉकलेट है। चॉकलेट कौन सा? चॉकलेट चॉकलेट है। तेरा कौन सा है? खट्टा मीठा कैरामल। मेरा तो कैरामल नटी सॉल्टी कैरामल। तो मेरी जो आइसक्रीम का फ्लेवर है वो है चॉकलेट, वनीला चॉकलेट, वनीला चॉकलेट है। तो मेरी जो आइसक्रीम है उसका फ्लेवर जो है वो है वनीला चॉकलेट, और उसके अंदर एक ब्राउनी होती है और एक जो स्कूप है वो होगा आइसक्रीम का। और उसकी जो प्राइस है, प्राइस कितनी है उसने मेंशन की थी, 280 की 350? 350 जो है वो इस एक स्कूप की प्राइस है। और जो आदिल भाई की आइसक्रीम है वो है नटी सॉल्टी कैरामल। जो आदिल भाई की आइसक्रीम है उसका फ्लेवर है नटी सॉल्टी कैरामल, और उसके अंदर भी एक ब्राउनी होगी और सिंगल स्कूप आइसक्रीम होगी, और उसकी जो प्राइस है वो भी है 350। तो अभी हम बस उसका वेट कर रहे हैं ताकि जब आइसक्रीम आए तो फिर हम आपको उसके साथ जो है वो शेयर करें और उसका जो फ्लेवर है वो आपको बताएँ कि किस तरह का फ्लेवर है और क्या इनकी आइसक्रीम्स वाकई अच्छी हैं या नहीं अच्छी। तो अब जो है हम आइसक्रीम का वेट करते हैं। हमारी जो आइसक्रीम है ये आ चुकी है। लुक वाइज तो ये बहुत अच्छी लग रही है, इसमें ऊपर चिप्स पड़े हुए हैं और साथ वनीला फ्लेवर की आइसक्रीम है, नीचे उसकी जो बेसमेंट है वहाँ पे एक ब्राउनी है और साथ चॉकलेट है। तो अब हम इसको ज़रा खा के चेक करेंगे। आदिल भाई की जो है वो कैरामल वाली है, ऊपर वनीला है, नीचे कैरामल है, और ऊपर वो हैं चिप्स हैं चॉकलेट चिप्स, और नीचे भी एक ब्राउनी है। तो अब हम ज़रा बिस्मिल्लाह करते हैं, देखते हैं कि इसका फ्लेवर किस तरह का है। यार तुम हर दफ़ा पहले क्यों खाना शुरू कर देते, मुझे ये बात समझ नहीं आई आज तक। मैं बात अभी कर रहा हूँ तो साथ ही तुम जाना खाना शुरू हो जाते हो, थोड़ा सा सब्र रखा करो। खैर आपने फर्स्ट स्पून ले लिया तो आप ज़रा बताएं कि किस तरह का फ्लेवर है, तब तक मैं ज़रा चख लूँ। बेहतर है। पहले जो मैं यूज करता ना खा रहा था ये आपके वाला फ्लेवर, पहले मैं खाता था वनीला चॉकलेट, ये उससे मुझे बेहतर लगा। नेक्स्ट टाइम जो है ना भाभी मेरे लिए ट्राई कीजिए, अगर मैं कुछ और ट्राई करूँगा। अच्छा है जी। सबसे ऊपर जो है वो आइसक्रीम है, और जिस तरह आप जाते हैं इसके नीचे नीचे आती है ब्राउनी, और ब्राउनी के बाद फिर आती है चॉकलेट, और फिर मेरा जो चम्मच है वो जाता है फस। है ये इस तरह नट्स। ओ माय गॉड। यू मस्ट ट्राई दिस। वो
अब आदिल भाई मुझे इंसिस्ट कर रहे हैं कि मेरे वाला फ्लेवर ट्राई करो, तो करना ही पड़ेगा। मुझे बेहतर लग रहा है, मैं 5-6 दफ़ा जो है ना मैंने वो यूज़ किया, उसको खाया और मुझे बेहतर लगा उससे। बहुत ठंडी है, मेरे दांत बहुत सेंसिटिव हैं। खैर आदिल भाई की जो आइसक्रीम है उसके अंदर बेसिकली वो कैरामेल है, उसमें उसमें छोटे छोटे क्रंचेस हैं, क्रंच जो कि बहुत मज़े का एक जो नो मिक्सअप फ्लेवर प्रोवाइड करते हैं। मेरी में है वैसा कुछ नहीं है, लेकिन नेक्स्ट टाइम से बाकी फ्लेवर के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। जो आदिल भाई का है कौन सा था, नटी कौन सा, नटी कैरामल आई गेस, सॉल्ट एंड नटी, सॉल्टी एंड नटी कैरामल, वो ज़्यादा बेहतर है चॉकलेट वनीला से। तो अगर आपने भी ट्राई करना होगा तो कैरामल फ्लेवर ट्राई कीजिएगा और चॉकलेट जो है वो सेकंड प्रेफरेंस जो है वो रखिएगा। जहाँ तक बात रही परफ्यूम्स की, तो वो जो है ना मैं आपको इस वीडियो के एंड पे मतलब दिखा दूंगा घर पहुँच के। तो जी घर हम पहुँच चुके हैं और मैं आपको ज़रा बाहर बाहर से जो है ना वो दिखाऊंगा कि कौन कौन से परफ्यूम्स हमने लिए थे। तो एक तो हमने लिया एक्सपोज, एक हमने लिया तारीख, और एक जो है हमने ये इनकी अतर है बेसिकली 12 ml की, वो हमने ली है। तो अभी जी तकरीबन 9 बजे हैं और मौसम परसों की तरह दोबारा से बारिश वाला हो गया, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, हवा भी बहुत तेज़ चल रही है और लाइटनिंग भी देखें आप कि बहुत ज़्यादा हो रही है, और हवा इतनी अच्छी माशाल्लाह चल रही है, इतनी अच्छी इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है जिसका मतलब मज़ा बहुत आ रहा है। तो इस तरह के मौसम की भी अल्लाह अकबर, इस तरह के मौसम की भी बहुत ज़रूरत है आजकल, क्योंकि गर्मी जो है बहुत ज़्यादा पड़ रही है। लेकिन ये है कि बारिशों के साथ साथ एक तो मतलब खुशी भी होती है कि जी अच्छा मौसम है, बारिश हो रही है, लेकिन जो फसलों को नुकसान होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। तो अल्लाह ताला से दुआ यही करनी चाहिए कि जो भी बारिशें वगैरह होती हैं ये सब रहमतों की बारिश हो, इनसे जो हमारी फसलें हैं उन्हें कोई नुकसान ना पहुँचे। क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, जो हमारा लैंड है वो भी एग्रीकल्चरल है जिस पे हम खेती बाड़ी करते हैं, तो उससे भी बारिश से जो है वो नुकसान पहुँचता है। तो दुआ यही है कि जो भी ये बारिश हो रही है ये रहमत की बारिश हो, किसी का इससे नुकसान ना हो, और ये जो बारिश है ये हमें फ़ायदा ही पहुंचाए। तो आज का जो व्लॉग है वो यहाँ तक ही है, हर बार की तरह अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।